नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश सवर्णों का संग्राम, इसमें आपका स्वागत है। और जिस तरह से अब सड़क पर सवर्णों का आंदोलन उतर आया है, एससी एसटी एक्ट मोदी सरकार के लिए अब गले की फांस बन गया है। पहले एससी एसटी एक्ट सड़क पर उतरे और आज सवर्ण समुदाय सड़क पर हैं। बिहार से लेकर राजस्थान तक कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं दुकानें बंद दिखी। आगे चुनाव है और इस बीच विरोध और खिलाफ की आवाजें हैं। सरकार किसके साथ दिखे, दलित वोटर को रिझाए या सवर्ण वोटरों की माने, सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी ये तो सरकार ही जाने। लेकिन सड़क पर सवर्णों का संग्राम जारी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको ये बताएंगे कि ग्राउंड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। और साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जो ये बताएंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और आखिर इस आंदोलन का, इस मुद्दे का सॉल्यूशन क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मोदी सरकार के लिए नई मुश्किल का सबब बन सकती हैं। कहीं लाठीचार्ज, कहीं पुतला दहन, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, कहीं रास्ता रोको आंदोलन, सवर्णों के भारत बंद का ये असर है। बिहार से लेकर राजस्थान तक के शहरों में इसका असर दिखा। दुकानें बंद की गईं, आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एससी एसटी एक्ट केंद्र सरकार के लिए गले का फांस बन गया है। मोदी सरकार के एससी एसटी एक्ट में संशोधन कर उसे मूल रूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय सड़क पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले तो दलितों ने देश भर में आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। अब सवर्ण सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। सरकार ना ही सवर्ण के पक्ष में खड़ा होना चाहती है, ना ही उनका विरोध करना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सवर्णों की मांग पर विचार हो रहा है और किसी से कोई अन्याय नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इस स्टैंड को दिखावा भर मानती है। कांग्रेस का स्टैंड हालांकि सवर्णों के आंदोलन को लेकर खुद ही साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को इस पर गंभीर होने की जरूरत है। जो सबसे पीछे और नीचे है वो सामान्य वर्ग में भी है, गरीब पिछड़े वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति जनजाति में भी है और अल्पसंख्यकों में भी है। तो जो सबसे पीछे रह गया हो, किसी वर्ग का हो, उसको आगे लाने की कोशिश करना ये भी राजधर्म है। गंभीर विषय है, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक तर्कशील विवेकशील तरीके कदम उठाने की आवश्यकता है। अब एससी एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी, सवर्ण वोटरों को अपना बनाए रखने के लिए बीजेपी की रणनीति अब क्या होगी, इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। सवर्ण मांग पर अड़े हैं कि सरकार को एससी एसटी एक्ट में संशोधन को वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वही मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में बदलाव करते हुए कहा था कि मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एससी एसटी आंदोलन खड़ा हो गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने इस फैसले के खिलाफ सरकार पर दबाव डाला कि इसे बदला जाए। सरकार ने बात मान ली, जिसके तहत एससी एसटी संशोधन विधेयक 2018 के जरिए मूल कानून में धारा 18A जोड़ दी गई। इसके जरिए पुराने कानून को बहाल कर दिया गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए प्रावधान रद्द हो गए। मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंगे, लेकिन सवर्णों को ये मंजूर नहीं है, लिहाजा सरकार संसद में है। एक तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वोट है, दूसरी ओर सवर्णों की नाराजगी का असर होने की चिंता। सरकार कैसे निपटेगी अब उनके रणनीतिकारों को देखना है। फिलहाल आंदोलन का असर ट्रैफिक पर हो रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से भारत बंद यहां पर किया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। बिहार से लेकर एमपी तक आज पूरे दिन ये गहमागहमी रही कि सवर्णों की जो डिमांड है वो कितनी जायज है और इसको किस तरह से यहां पर सरकार इसके ऊपर क्या रुख अपनाती है। ग्राउंड जीरो का सबसे पहले जायजा लेते हैं कि आज पूरे दिन इस आंदोलन का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्या असर रहा है। ये बताने के लिए हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से संवाददाता यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे साथ अरुण हैं जोधपुर से, हमारे साथ हिमांशु मित्तल हैं कोटा से और साथ ही संदीप हैं ग्वालियर से। मेरा सबसे पहला सवाल अरुण आपसे ही होगा, क्या आज पूरे दिन इम्पैक्ट रहा है जोधपुर में, क्योंकि जिस तरह से सवर्ण सड़क पर उतरे हैं, उनकी डिमांड है कि जो सरकार ने इसमें संशोधन किया है एससी एसटी एक्ट में उसको वापस लिया जाए,
कितना असर रहा है, कितना असरदार रहा है आज का यह आंदोलन? मैं बताना चाहूँगा, जोधपुर में बिल्कुल शांतिपूर्ण बंद रहा है, क्योंकि स्वैच्छिक बंद का आह्वान था लेकिन पूरा जोधपुर बंद नजर आया। कहीं भी कोई भी हिंसा की वारदात सामने नहीं आई है। साथ ही साथ सुबह से जब 10 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक जो बंद का आह्वान किया था उसके दौरान पुलिस पूरी तरह से चौकस रही थी और जोधपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस हालांकि लगी हुई थी, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा हुड़दंग की सूचना नहीं मिली। और साथ ही साथ कह सकते हैं ऐतिहासिक बंद सफल रहा, क्योंकि जोधपुर शहर का जो मुख्य मार्केट है जालोर गेट, सोस्ती गेट, रामिंदर, पावटा, ये तमाम हिस्से बंद नजर आए, जहाँ लोगों ने स्वैच्छिक बंद रखा। साथ ही साथ कई फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने भी स्वैच्छिक रूप से अपने जो लेबर थी उनको 10 से 4 बजे तक के बीच की छुट्टी दे दी थी, फैक्ट्री बंद रखी है। तो कह सकते हैं जोधपुर में बंद का एकदम शांतिपूर्ण असर रहा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल रहा। और उनकी यही मांग थी सरकार इस कानून में दोबारा सोचे और सवर्णों के लिए सोचे, क्योंकि जो ऐसी एक्ट में जो बदलाव किया गया उसको लेकर सवर्ण जाति को जो बिना कोई मुकदमा दर्ज होती गिरफ्तारी की जो सूचना होती है उस गिरफ्तारी की बात को लेकर सवर्णों में आक्रोश है कि जांच नहीं उससे पहले पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सवर्णों ने ये आंदोलन किया है और जोधपुर में शांतिपूर्ण ये बंद सफल रहा है। ये एक अच्छी बात आप बता रहे हैं अरुण, की आंदोलन तो सफल रहा लेकिन इसमें हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हिमांशु, कोटा में किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा है, क्योंकि सवर्ण यहाँ पर झुकने के मूड में नहीं है और ये व्यापक राज्यव्यापी एक तरह से हम कहें कि अलग अलग राज्यों में इसका असर हम आज देख पा रहे हैं, तो कोटा में किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, कोटा की बात करें, एजुकेशन सिटी कोटा में निजी शिक्षण संस्थानों से लेकर के तमाम कोचिंग और स्कूल बंद में शामिल थे। व्यापार महासंघ समेत करीब 150 संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया था। सुबह से जो तस्वीर थी वो सामने ये थी कि पूरी तरह से बंद शांतिपूर्ण था, लेकिन दिन में छोटी मोटी एक दो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कोटा के नयापुरा इलाके में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई, वहां पर हंगामा किया गया। बंद समर्थकों ने जब देखा कि नयापुरा इलाके में पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो वो आक्रोशित हो गए और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर दी। वहीं संतोषी नगर इलाके में एक दुकान थी जो खुली हुई थी और बंद समर्थक जब वहां पहुंचे तो वहां पर नौबत हाथापाई किया गई, जमकर के हंगामा हुआ। स्वर्ण समाज और जो समता आंदोलन जिनकी तरफ से ये बंद बुलाया गया था वो सबके सब एकजुट होकर के शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरे, जमकर के जो नारेबाजी और विरोध मार्च सड़क की शहर की सड़कों पर निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके यहां पर स्वर्ण समाज ने समता आंदोलन के साथ में हुंकार भरी और तमाम जो हुक्मरान हैं जो दिल्ली में बैठे हैं उन तक जो अपनी आवाज़ है वो पहुंचाने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी घटनाएं उनको छोड़ दिया जाए तो कोटा में जो बंद है वो सफल रहा और शांतिपूर्ण रहा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोटा में भी आंदोलन सफल रहा है, लेकिन आंदोलन का जो ये पक्ष होता है नुकसान का, आगजनी का या फिर हत्या का, ये पक्ष कहीं ना कहीं एक खतरनाक पक्ष होता है और इससे कहीं ना कहीं बचने का पूरा प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ ग्वालियर से संदीप भी जुड़े हैं और मध्य प्रदेश में सवर्ण आंदोलन का बड़ा इम्पैक्ट दिखा है, और जहां से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, ग्वालियर में स्कूल कॉलेज बंद रखे गए, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है, तो और शिवराज सिंह को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। और क्या आपने देखा ग्राउंड पर संदीप? देखिए, मध्य प्रदेश भर में चाहे वो छोटा कस्बा हो, गांव हो या फिर शहर हो, हर इलाके में आज बंद का मुकम्मल असर देखने को मिला है और सुबह से शाम तक पूरी तरह बाजार बंद रहे हैं। एहतियातन स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई थी तो स्कूल कॉलेजेस भी नहीं खुले हैं। जो सामान्य तौर पर ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है बड़े शहरों में भी, रोज़मर्रा के काम के लिए भी लोगों ने बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा, वो इसलिए क्योंकि 2 अप्रैल को भी इसी तरह के आंदोलन का आगाज़ था, वो उस वक्त में SC ST वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया था और तब जब बाजार खुला हुआ मिला तो आंदोलनकारियों ने भारी संख्या में तोड़फोड़ कर दी थी और इसके बाद में बहुत हिंसा भी हुई थी मध्य प्रदेश में। उसके जवाब में जब इस सवर्णों का आंदोलन आज मध्य प्रदेश में हुआ है, बंद देशव्यापी बंद बुलाया गया, तो यहाँ पर कुछ छुटपुट इलाके देखें जहाँ पर थोड़ी हिंसा की वारदातें हुई है, मसलन शहडोल में पुलिस पार्टी पर पथराव हो गया है, भिंड में भी जब लोगों ने इकट्ठा होने की कोशिश की तो उन पर भी पथराव किया गया, शहडोल में लाठीचार्ज किया गया, और ग्वालियर जो इलाका है जो सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जा रहा था, यहाँ पर भी
एहतियातन 144 धारा लगाई गई थी, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया, पुलिस के इंतजाम काफी थे, इसीलिए यहाँ पर कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। लेकिन शांत बंद मध्य प्रदेश में रहा है, इसकी दुख की घटनाओं को छोड़ दें तो ये बंद पूरी तरह शांति। चलिए, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है आज सवर्ण आंदोलन का कि अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में आज किस तरह का असर दिखा है। अब हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अशोक भारती जी हैं, दलित चिंतक हैं, और साथ ही मुन्ना कुमार शर्मा हैं जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मुन्ना कुमार शर्मा जी आपसे ही होगा, चूंकि आप लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया है। क्या आप लोगों को सरकार की बातों पर, सरकार के वादों पर भरोसा नहीं है? जब सरकार ये कह रही है कि सवर्णों के खिलाफ नहीं होगा ये मामला और सवर्ण का अहित नहीं होगा इसमें पूरे मामले में जो यहाँ पर किया गया है संशोधन, तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? आप लोग सड़क पर क्यों उतरे? देखिए, ये कानून बहुत पहले बना हुआ, 89 में ही बना था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था, उन्होंने भी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की, परंतु बाद में राजनेताओं ने 89 में इसको जोड़ा और ये कानून बनाया गया। इसकी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया, लोगों का शोषण किया गया, गलत मुकदमे किए गए। ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया, एक्ट पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया, केवल थोड़ा सा संशोधन किया कि बिना जांच के एफआईआर नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कुछ भी गलत नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने करेक्शन किया था जो गलतियां बरसों से हो रही थी। इसको सरकार को और सारे राजनीतिक पार्टियों को मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं, मुन्ना कुमार जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि जब सरकार आपको इस बात का भरोसा दे रही है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा इस कानून का, तो इसका मतलब ये हुआ ना, जब आप लोग सड़क पर आ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आपको पुलिस प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, यही सरकारें थी पहले भी जिन्होंने इसके दुरुपयोग को नहीं रोक पाया, तो अब ये कैसे इसको रोकेंगे? इसलिए इन पर भरोसा करना, भरोसा नहीं है आप, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं और समझिए कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश की जो जनता है ये ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेगी और इनको चुनावों में सबक सिखाएगी। देश को तोड़ने का, लोगों को बांटने का, जातियों के आधार पर डिवीजन पैदा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। संविधान में भी समानता का अधिकार है, तो आप ये कैसे कानून बना सकते हैं कि अगर नन एससी एसटी मुकदमा करे तो गिरफ्तारी नहीं होगी, ठीक है, और अगर एससी एसटी मुकदमा करे तो बिना जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये दो तरह का कानून क्यों है? एक देश में दो तरह का कानून नहीं होना चाहिए। यही जब कांग्रेस की सरकार ने किया था साहबानों मामले में, तो यही भाजपा थी जिन्होंने जमकर विरोध किया था। आज यही भाजपा ये ला रही है कानून। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सरकारें अपने अपने हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं समय समय पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक भारती जी, आप लोगों ने अप्रैल में, जब मार्च अप्रैल में बड़ा आंदोलन किया था तो सरकार ने आपकी बात को माना और इसमें बदलाव किया। अब जब सवर्ण यहाँ पर सड़क पर हैं और अगर सरकार दबाव में आकर कुछ फैसला सवर्णों के पक्ष में लेती है तो दलितों का रुख क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं देश के दलित और आदिवासियों को इस बात के लिए और पिछड़ी जातियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, सवर्णों ने जब भारत बंद किया तो वो अपने घरों में रहे और उन्होंने किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं किया, उनको उनके कानूनी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने दिया और इस वजह से जो है आज बंद शांतिपूर्ण निपट गया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं दूसरा ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल व्यक्तियों की इच्छाओं का नहीं है। देश में एक कानून का शासन है, कानून ये कहता है, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, और कानून का दुरुपयोग केवल ताकतवर लोग करते हैं। गरीब की तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, दलित की तो एफआईआर नहीं लिखी जाती। आपको ऐसा कानून क्यों चाहिए कि शिकायत होते ही गिरफ्तारी हो जाए,
जमानत ना मिले, तुरंत जमानत ना मिले, अग्रिम जमानत ना मिले, आपको ऐसा कानून क्यों चाहिए? आपको किसने बताया कि इसके अंदर गिरफ्तारी, इसके अंदर तुरंत हो जाता है सब कुछ? किसने बताया? जो संशोधन किया गया है कहाँ लिखा है आप बताइए ना, कहाँ है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है? मैंने देखा है, बताइए उसमें कहाँ लिखा है उसने बिना तफ्तीश के गिरफ्तारी हो जाएगी? साफ कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ये बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं और आप लोग इसके शिकार हो रहे हैं। नहीं, मैं बताना चाहता हूं सुप्रीम दलितों की तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, आदिवासी की एफआईआर नहीं लिखी जाती। और सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा दिए गए हैं बिल्कुल वो कंकॉक्टेड दिए गए, झूठे दिए गए हैं, और ये एकदम बेबुनियाद बात है। मैं बता रहा हूँ कि दुरुपयोग की बात कहाँ से आ गई। अभी मेरे पास आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं 2012 से लेके 2016 तक 144,316 मुकदमे आए, जिसमें से केवल 14,554 पे चार्जशीट पेश की गई। मैं पूछना चाहता हूं 130,000 मुकदमे, 30,000 केस का क्या हुआ, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई? तो मैं कह रहा हूं साहब अलग मुद्दा है। नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। चार्जशीट जब दायर नहीं हुई ये तो इसका मतलब है इस्तेमाल नहीं हो रहा कोर्ट का, नहीं हुआ। जब कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? बता रहा हूं, यानी कि पुलिस प्रशासन जानबूझ के दलितों की एफआईआर नहीं लिख रहा, आदिवासियों की एफआईआर नहीं लिख रहा, और हमारे पर और दोष थोपना चाहते हैं। मैं कहता हूं एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग करता है, ये कोशिश है, ये कहता हूं कोई कानून का अशोक अशोक भारती उसके कार्रवाई कीजिए, अशोक भारती पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अशोक भारती एक मिनट, अशोक भारती जी, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाता है और चिल्लाने से कोई बात सच साबित नहीं हो जाता। गंभीर चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट, जो आपके आंकड़े हैं वो एक पक्षी आंकड़े, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मकसद इस मुद्दे के ऊपर इस मुद्दे को और भड़काना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। हम ये चाहते हैं कि जो सवर्ण की मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए निश्चित तौर पर दलित के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर हो रहा है तो जो अत्याचार कर रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात के पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हो जाए और किसी निर्दोष के ऊपर निर्दोष को सजा मिल जाए, हम इसके भी पक्ष में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब एक मिनट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता, अशोक भारती जी, आप गंभीरता से जरा इसका जवाब दें, क्या जो कानून यहां पर सरकार ने बनाया है इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी ताजा मामले कई आए हैं ऐसे सामने। नोएडा का ताजा उदाहरण है कि एक रिटायर्ड कर्नल को किस तरह से एक एडीएम ने फंसा दिया, अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता पार्क का तो वो जेल में रहते। तो क्या आपको नहीं लगता, इस बात का खतरा आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के कानून रहेंगे तो इसके गलत इस्तेमाल का खतरा ज्यादा रहेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखिए पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने एडीएम वाला मामला किया है वो सब जुडिस है, वो चल रहा है, उसमें जो भी है, मैं जो भी है। हाँ। नहीं, उसको आप गलत तरीके से कोर्ट में कर सकते हैं। दुरुपयोग तो हुआ, जो भी है दुरुपयोग तो हुआ। विजय शर्मा जी, देश के लिए उसका फैसला नहीं होता, जब तक फैसला नहीं होता आप इसको सही है उसको गलत नहीं कह सकते। एक झूठे मुकदमे कोर्ट में लड़ने वाले को गलत किया गया, कौन गलत है? जाहिर तो हुआ है ना, मैं शक की बात कर रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण है, कल को साबित हो जाएगा क्या करेंगे तब आप कैसे करें? तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमको ये समझना है कि ये बताइए कार्रवाई दलित करते हैं, कार्रवाई तो पुलिस को करनी है। अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। अगर वो झूठा मुकदमा लिख रही है, कानून तो एक समान होना चाहिए ना। कार्रवाई दो कानून एक समान, दो समान कानून क्यों? कानून एक समान है, जातियों के आधार पर कानून क्यों लिखी जाएगी? तब देश के सारे नागरिकों, एक मिनट मैं आपको बताऊं भारती जी, देश के सारे नागरिकों का एक समान कानून। जो आप दोनों अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं और जो आप दोनों का रवैया है, एक्चुअली जो राजनीतिक दलें होती हैं वही चाहती हैं कि आप आपस में लड़ें और वो वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच, सवर्णों के बीच और दलित के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को एक लॉजिकल बात करनी चाहिए कि आखिर लॉजिकल बात क्या है। लॉजिकल चीजें यही होनी चाहिए कि दलित के खिलाफ अगर कहीं पर कुछ अपराध हो रहा है उनको सजा मिले, लेकिन कोई जो निर्दोष है
वो इसके जाल में ना फंसे। देखिए दलित दलित का नहीं है ना, देखिए दलित का कहीं भी शोषण हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत आराम जो दलित के साथ शोषण करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जो हिंसा करे, जो कानून का उल्लंघन करे दलित के खिलाफ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन अगर आपके पास आऊंगा दलित कानून का सहारा लेके दलितों को जेल में बंद कर, आप दोनों के पास आऊंगा। आज ये कई राज्यों में ये फैला है सवर्णों का आंदोलन, तो देश के और बाकी हिस्सों में आज किस तरह से यह आंदोलन रहा है, इसका जायजा अलग अलग हिस्सों से जी मीडिया संवाददाता ने लिया है। आइए आपको ये दिखाते हैं। मैं अभी शहर के सूरजपोल चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी दुकानें जो चौराहे पे है वो तमाम दुकानें बंद है, और कुछ ऐसा ही नजारा शहर के प्रमुख बाजार जो बाहू बाजार है, अश्वनी मार्केट है, या अन्य शहर के अंदरूनी इलाकों का मार्केट देखा जाए वहाँ पे भी इसी तरह से बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जातिगत समानता थी उसको तोड़ने की कोशिश की है, उसके विरोध में आज हमने उदयपुर में बंद किया है। शायद आजाद भारत के बाद ये ऐसा पहला बंद होगा जिसमें ना हाथ में लठ होगा, ना भाटा होगा, ना जंग होगा, सिर्फ निवेदन होगा। पूरे मालवा क्षेत्र में हर जगह पर इस बंद का असर देखने को मिला है। इंदौर ऐसी जगह थी जहां पर बंद का असर बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसके पहले कई बार इस तरीके के आंदोलन हुए, लेकिन आज का जो यहां का आंदोलन है, आज का जो यहां पर भारत बंद का आह्वान है, उसका असर यहां पर काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। जो सारे प्रतिष्ठान है, जो दुकानें हैं, वो सारी बंद है, लेकिन यहां पर जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, एक जो विरोध की तस्वीर है, वो उसका असर व्यापक देखने को मिल रहा है। और इस तरीके का जो आंदोलन है कहीं हिंसक ना हो जाए, इसलिए पूरे इंदौर में बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से आंदोलन के ऊपर नजर रखी गई है, और इस भारत बंद के आह्वान को लेकर के एक बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। देखिए ताजा हालात यही है कि ट्रेन जो है वो आ रही है, ट्रेन पर देखिए कितनी खचाखच भीड़ है, आप देख सकते हैं कैसे लटक के लोग आ रहे हैं ट्रेन पे, लगातार कितनी भीड़ है इस ट्रेन पे और लोग आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि ट्रेन का नियम का जो उल्लंघन भी किया जा रहा है, ट्रेन को समर्थकों ने रोक दिया है। ये स्वर्ण सेना के समर्थक हैं, और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे स्वर्ण सेना के समर्थकों ने ट्रेन को रोक दिया गया है। क्या आप लोग की आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, तो पूरे भारत बंद है, इसी तरह बंद होते रहेगा, और स्वर्णों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। स्वर्णों का शोषण बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। बिहार में ये पहले से उन्होंने कहा था कि हिंसा मुक्त और जो शांति प्रिय तरीके से वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अखिल भारतीय स्वर्ण सेना के लोग हैं SC ST एक्ट में क्या विरोध करते हुए BJP दफ्तर के सामने आ गए हैं यहाँ पे। और खबर ये है कि जो BJP पार्टी से के कार्यकर्ता थे और जो JDU के कार्यकर्ता थे, वो लोग भी इस बंद के समर्थन में आ गए हैं। लगातार पार्टी विरोधी जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आप लोगों की मांग क्या है? आज सवर्ण सेना और करनी सेना संगठन के द्वारा दोनों संयुक्त संगठन करके इस काला कानून के हम लोग विरोध में है। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटकर स्वर्णों के साथ विश्वासघात किया है। जो स्वर्ण उनको इस प्रधानमंत्री पद पर लाने का काम किया है, उसी के खिलाफ इन्होंने बहुत गंदे तरीके से इन्होंने उसको लूटने का काम किया है, स्वर्णों को बर्बाद करने का काम किया है। तो आपने देखा देशव्यापी क्या असर हुआ है सवर्णों के संग्राम का। हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, अशोक भारती जी, आपने भी देखा कितना इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है, आम लोगों को कितनी दिक्कतें हुई है, सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका देखिए, ताकि जो आपकी मांगे हैं, जो आप चाहते हैं आपकी बात भी रह जाए, और जो सवर्ण चाहते हैं उनकी बात भी रह जाए, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि बीच का रास्ता ही निकालना होगा, अगर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो खाई बढ़ती जाएगी दलितों के बीच, सवर्णों के बीच, और जो हम भाईचारे की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो बीच का रास्ता क्या है आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है कि तीन बातें हैं जो हमें फौरी तौर पर एंश्योर करनी चाहिए, पक्का करनी चाहिए, तीन चीजें हो जाएं। पहली बात तो ये है कि जो पुलिस रिफॉर्म कमीशन है, पुलिस रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्टें लागू हो जाएं, क्योंकि पुलिस में नेपोटिज्म है, पुलिस में फेवरेटिज्म है, पुलिस में लेन देन का व्यवहार है, उसकी वजह से जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जाएगा और जो जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए मुझे लगता है कि देश में
पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको ज्यादा सिविलाइज बनाना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें बड़ी अच्छी बात आपने कही, मैं इसी से जोड़ता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, तो आप लोग ये डिमांड क्यों नहीं करते कि पुलिस में रिफॉर्म हो? आप लोग एससी एसटी एक्ट की बात क्यों करने लगते हैं? मैं बता रहा हूं कि पहले रिफॉर्म हो जाए फिर आपके लिए कानून बने। साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून तो 1930 साल से चल रहा था, जो बदलाव की बात हो रही है 30 साल से चल रहा था, अभी तक कोई पीड़ा नहीं थी। एक मिनट, 30 साल से चल रहा था, अभी तक कोई पीड़ा नहीं थी, रातों रात कैसी पीड़ा होगी? दूसरी बात, मैं बात पूरी कर लूं फिर बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के तमाम लोगों को, खासतौर पर जो ताकतवर समुदाय हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ दलितों का और आदिवासियों का इस्तेमाल ना करें, तो उससे इसका दुरुपयोग रोक सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं ना, क्योंकि गरीब की तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तीसरी बात यह है कि गरीब तो कोई भी हो सकता है, गरीब तो सवर्ण भी हो सकता है, उसी की बात, गरीब तो सवर्ण भी हो सकता है, उसकी बात कर रहा हूं। और मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायपालिका को लेकर दलित और इस देश के गरीबों में बहुत सारी आशंकाएं हैं। न्यायपालिका का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, इसका मतलब है इंडियन जुडिशियल सर्विस आर्टिकल 312 के तहत बनानी चाहिए, जिससे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक प्रोफेशनल जुडिशियरी हो। क्योंकि लोग जो जुडिशियरी हमारे देश में सबसे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जाति और बिरादरियों की कोई भागीदारी नहीं है। एक मिनट मुन्ना कुमार शर्मा जी, आपका क्या सुझाव है? जो आप लोग सड़क पर उतरे हैं, जो सवर्ण उतरे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको फिर वापस उस कानून को लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाए और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया जाए। अगर एक देश आपको, आपको इस कानून के दुरुपयोग का डर लग रहा है? नहीं, दुरुपयोग तो हो ही रहा है, जब हम पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि बिना जांच के गिरफ्तार करो, बिना जांच के एफआईआर दर्ज करो, तो पुलिस को जब हम आदेश ही देख रहे हैं इलीगल करने के लिए, तो उसी आदेश को मानेगा। जब देश की संसद कानून बना रही है और पुलिस को कह रही है कि बिना जांच किए ही झाजी को गिरफ्तार करो। एक मिनट आप बताएं, ये आप लोगों की डिमांड है या इसके पीछे कुछ राजनीति छुपी हुई है? नहीं, आप लोग कहीं राजनीतिक हाथों में तो नहीं आ गए? हम लोग देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, हम लोग ये हिंदुओं की एकता को मजबूत करना चाहते हैं। ये जो हिंदुओं की एकता को तोड़ा गया है और देश की एकता को खंडित करने का प्रयास हुआ है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुन्ना कुमार शर्मा जी, वक्त की कमी है, और अशोक भारती जी आपका भी। तो ये एक बड़ा आंदोलन आज के दिन हुआ है, हमने आपको दिखाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में कोई खाई पैदा ना हो और दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर रहें और कहीं पर भी किसी कानून का दुरुपयोग नहीं हो। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।